आज तुम्हारे अंदर आ जाए, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाए, परवाह न करना। अगर तुम्हारे सीनों में इश्क मुस्तफा की शमा रोशन है, तन्हा भी हो अल्लाह की मदद आएगी, बेशक बेशक अल्लाह की मदद आएगी। बज़ाहिर हालात खराब हैं, बज़ाहिर हालात हमारे खिलाफ दिखते हैं, आज यही हालात दोहराए जा रहे हैं। मैं थोड़ी और मिसालें आपके सामने रखता हूं। अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे ये मिल गई वो दुनिया की परवाह नहीं करता, वो दुनिया की मुसीबतों को ठोकर में रखता है। आपको पता है वो एक खातून जो ओहद के मैदान की तरफ भागने जा रही थी और आने वाले जंग से, जंग खत्म होने के बाद आने वालों ने उस खातून से कहा, ऐ बीबी तुझे पता है तेरे शोहर का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। उसने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और आगे बढ़ने लगी। फिर किसी ने कहा तुम्हारे बेटे भी शहीद हो गए, उस खातून ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और फिर आगे बढ़ने लगी। फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हो गया। एक औरत के लिए ये रिश्ते बड़े अहम होते हैं, बेटा हो, भाई हो, शोहर हो, और औरतों में सबर कम देखने को मिलता है। जब किसी के घर में मैयत होती है, सबसे ज्यादा चीखो पुकार औरतों की होती है, नोहा करना, मातम करना औरतों के अंदर आता है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस खातून के दिल में हो, उसे आम औरतों से कंपेयर ना करो। एक ही तनहा औरत है, बाप भी शहीद, बेटा भी शहीद, भाई भी शहीद, शोहर भी शहीद। चार चार मौतों की खबरें जब उनको दी गई, उस खातून ने कहा है आने वालों, सारे मेरे रिश्तेदारों के मौत की खबरें सुना रहे हो, जरा ये तो बताओ आमिना के लाल सलामत है या नहीं, आमिना के लाल सलामत है या नहीं। आने वाले ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत हैं। उस खातून ने कहा मुझे दिखा तो दो, अरोनी मैं, मुझे दिखाओ कहाँ है। ले जाकर करीब किया गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जहां आरा को देखा, आंचल फैलाती है और कहती है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन। ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत हैं, हर मुसीबत छोटी है। वाह वाह, हर मुसीबत छोटी है। उनका ही ये नारा था, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार कह दो कि तू हमारा। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको ये लज्जत मिलती है मोहब्बत है मुस्तफा की, फिर वो मुसीबतें गिनता नहीं है, वो अपने ऊपर आने वाली आफतों को गिनता नहीं है, उसके लिए दुनिया हेच है। अजीजा ने गिरामी वकार, आपको पता है वो सहाबा इकराम रिद्वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाईन, जिनकी जिंदगियां, जवानी की जिंदगियां बड़ी अजीज होती, हर आदमी जवानी में ऐश करता है, मगर मदीने के उन जवानों को हमने देखा है, आज शादी हुई, आज दुल्हन को घर लाया है, दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ सुहाग रात में मसरूफ है, लेकिन जंग का बिगल बज गया, बाहर मदीने में आवाज आने लगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान की तरफ निकल पड़े हैं। ये आज का दूल्हा अपनी दुल्हन को बिस्तर पर छोड़कर निकल पड़ता है और जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में शरीक हुआ। जानते हो वो खातून भी ऐसी नहीं थी कि पैर पकड़ ले, कहां सुहागन को अभागन किए जा रहे हो, मेरा कौन होगा इसके बाद। नहीं, खातून ने कहा जाओ अल्लाह हाफिज, अगर सलामती के साथ आ गए फखर से गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर शहीद हो गए तब भी फखर करूंगी कि शहीद की बेवा हो। ये रसूल पाक के मुआशरे के उन मिसालों को तुम्हारे सामने रख रहा हूं जिन्होंने लज्जत आशनाई पाली थी, हुजूर की मोहब्बत का मजा ले लिया था। वो सहाबी रसूल जवान दूल्हा मैदान जंग में शरीक हो गया, लेकिन घमासान की जंग में शहीद भी हो गया। एक रात का दूल्हा शहीद हुआ है, जिसको अल्लाह के फरिश्तों ने गुसल दिया था, हजरत हंजला गुसैलुल मलाइका। और आपको पता है एक नौजवान जो काले रंग के थे, हजरत अब्दुल्ला अस्वद उनको कहा जाता है, हुजूर के पास आए, कहा शादी करना है, शादी करना है, उम्र हो गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ है मेहर देने के लिए, कुछ पैमाल है, कहा कुछ है नहीं, कहा मेहर के लिए पैसे ले आओ, शादी करा दी जाए। और उसके बाद उन्होंने
इधर उधर किया, फिर हुजूर ने ही उनके लिए माल जमा करने का इंतजाम किया हजरत उस्मान गनी के जरिए से। उनको माल दिया गया, पैसा दिया गया, कहा जाओ घर को बना लो, सामान ले आओ और मेहर के पैसे जुटा लो, शादी का सामान खरीदो, मदीने की अंसार की किसी बेटी से तुम्हारा निकाह हो जाएगा। वो नौजवान अब्दुल्लाह अस्वद, गरीब सहाबी है, गरीब सहाबी और काले रंग के थे, उन्होंने शादी का सामान खरीदने के लिए माल तो जुटा लिया, बाजार में थे। ऐलान हो गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में तशरीफ ले जा रहे हैं, अचानक मुशरिकीन का हमला हुआ है। ये जो नौजवान है शादी का सामान खरीदने गया था, जाकर घोड़ा खरीद लेता है और हथियार खरीद लेता है, और उसके बाद जो जिरा हुआ करती थी लोहे की टोपी, लोहे का लिबास सब खरीद लिया, और जितना मन था जो कभी नहीं पहना था वो सारे हथियार खरीद लिए और सज संवर कर घोड़े पर बैठ कर क्या गया। जब मैदान जंग में सफें लग रही थी शरीक हो गए। इनको तो गरीब सहाबा में शुमार किया जाता था, इनके पास कभी कोई हथियार नहीं था, न कोई तलवार, न कोई टोपी, न कोई घोड़ा। सहाबा उनकी तरफ देखकर समझते हैं कोई बड़ा पहलवान होगा हम में से जिसको हम नहीं जानते, लेकिन जब जंग में वो अड़ गया था, बड़े बड़े शेरों के पैर उखड़ने लग गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइन दोपहर के वक्त सहाबा से पूछा, कौन है ये जो लड़ रहा है, ये बथले जलील कौन है, ये चेहरा भी छुपा हुआ है, पूरी लोहे की टोपी पहना हुआ है, पूरा जिस्म भी छुपा हुआ है, कीमती लिबास है इसके ऊपर। सहाबा इधर से उधर से देख रहे हैं, कहा हम में से तो नहीं है ये, कोई बाहर से आया हुआ लगता है। हुजूर मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरा अब्दुल्लाह अस्वद है जिसको शादी के पैसे दिए थे, जाकर इसने जंग का सामान खरीद लिया है। और हुजूर पाक देखकर मुस्कुराने लगे। शाम से पहले उसी अब्दुल्लाह अस्वद की शहादत भी हो गई, वो शहीद हो गए मैदान जंग में। जानते हो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद चलकर तशरीफ लाए और उनके सर से जिरा उतारी, टोपी उतारी, खुद को उतारा और अपनी गोद में उनका सर रखा, उनके चेहरे से मट्टी को साफ किया। सहाबा कहते हैं, इस किस्मत पर कुर्बान जाए, हुजूर की गोद में उनका सर देख करके हमें रश्क होने लगा। फिर हुजूर फरमाते हैं, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। मेरे अजीजों, ये कट गए, खत्म हो गए, अपने आप को फना कर दिया। कौन सी चीज थी जो इन्हें मैदान में ले आती थी, कौन सी चीज थी जो इन्हें बिस्तर से उठा लाती थी, कौन सी चीज थी जो बाजार में शादी के सामान खरीदने से बदलकर वो हथियार खरीदने पर आ जाए। अरे जंग में जाना कोई क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान नहीं है, हथेली जान, हथेली में जान करके जाना है। अच्छे अच्छों के हालात खराब हो जाते हैं एक डंडा देख ले, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे निकल पड़ते थे जैसे लगता है रोज का काम है। ये कौन सी चीज है जो उन्हें लाती थी, वही इकबाल कहता है, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। बद्र के मैदान में हुजूर जा रहे थे, एक घर में रात को लड़ाई चल रही है, किसके दरमियान, बाप और बेटे के दरमियान। बाप बूढ़े हो गए हैं, बेटा लड़ रहा है, अब्बा आप नहीं जाएंगे, आप घर में रहेंगे, मैं जाऊंगा। बाप कहते हैं, नहीं बेटा तू घर संभाल, मैं जाता हूं, मेरी उम्र हो गई है, मैं जाऊंगा हुजूर के साथ। तकरार इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कुरानंदाजी की, चिट्ठी डालेंगे जिसका नाम निकलेगा वो जाएगा। खुरा अंदाजी हुई तीन बार भी हुई तो बेटे का ही नाम निकला। बाप ने कहा, मुझे नहीं चाहिए ये तेरी खुरा अंदाजी, मैं हुजूर के पास ले चलता, मैं हुजूर के पास जाऊंगा। अजब चीज है लज्जत आशनाई, हुजूर के साथ जाने का जज्बा कैसा था। अरे वो खुरा अंदाजी कर रहे हैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए, कोई मिठाई की तकसीम नहीं हो रही थी कि जाकर के मिठाई एक लड्डू ले आएंगे, वो जंग के मैदान में जाने के लिए कुरानंदाजी कर रहे हैं। बाप बेटे की तकरार, फिर आए बारगाह मुस्तफा में, दोनों ने दलीलें रखी। बाप ने कहा, ये जवान है घर संभालेगा, मुझे आपके साथ जाने की इजाजत दीजिए। बेटे ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैदान जंग जवानों से ज्यादा भरपूर होना चाहिए, ताकत का ज्यादा इस्तेमाल होता है,
मेरे बाप को आप कहें घर पर देखें, यहां के हालात वो संभाले, मैं आपके साथ चलूंगा। हुजूर पाक ने जवान की बात सुन ली और बूढ़े सहाबी से कहा आप घर पर रहें, आपका जवान जाएगा। इतना जुमला कहना था, चीख निकली उनकी, धाड़े मारकर रोने लगे, कहा हाय अफसोस, इस बुढ़ापे पर तुफ है मुझे, इस बुढ़ापे ने मुझे नबी से दूर कर दिया। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वो बूढ़े हो जाते तब भी ये सोचते कि हुजूर के साथ जाने का मौका मिले। एक खातून आई, मैं ये सब मिसालें रखता हूं ऐ नौजवानों, फिर तुमसे पूछता हूं क्या लज्जत आशनाई तुम्हें भी मिली है? हुजूर की बारगाह में अपने आप को फिदा करना या अपनी दुनिया को ठोकर मारने का जज्बा कभी आया है? एक खातून हुजूर के दरबार में आई, जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी मैदान की तरफ जा रहे थे, वो भी जंग का हाल था, कई जंगें लड़ी गई हैं। एक खातून आई 1.5 साल का बच्चा लेकर, कहा या रसूल अल्लाह, मदीने की सारी माएं अपने जवान लड़के भेज रही थी, मेरे घर में कोई नहीं था, 1.5 साल का बच्चा, मैं इसको ले आई हूं, इसको कबूल कर ले। तवज्जो, माँ का कलेजा कैसा होता है, माँ की ममता, 1.5 साल के बच्चे को लेकर आई, कहा इसको कबूल कर ले। हुजूर ने पूछा इसका क्या करेंगे? वो खातून कहती है या रसूल अल्लाह, मेरे शोहर शहीद हो गए और मेरे पास सिवाय इस बेटे के कोई नहीं। हाँ, मुझे अंदाजा है मेरा बेटा चल फिर नहीं सकता, तीर तलवार नहीं उठा सकता, ये जंग में जाने के काबिल नहीं, लेकिन मैं इस हिस्से से महरूम नहीं होना चाहती जो मदीने की हर माँ ले रही है। बस या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को आप किसी मुजाहिद के हाथ में दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले, मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसे ये आशनाई की लज्जत मिली है, उसने मुस्तफा करीम के कदमों में बच्चे भी वार दिए, सब लुटा दिया है। उनके लिए माल की कोई अहमियत नहीं थी। आपको पता है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और वो उस वक्त इबादत में मसरूफ थे, अचानक हुजूर करीम अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर जैसे ही आए, दरवाजा खुला, हुजूर सीधे एक कमरे की तरफ गए, वहां एक संदूक रखा था और उसमें कुछ माल था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस संदूक से माल को उठाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए और कहा शुक्रन लिल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। हुजूर पाक ने उनके माल को जैसे उठाया, कहते हैं मैं अभी अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ यही कर रहा था, ए मौला बस तू इतना करम कर दे, तेरा रसूल मेरा पूरा माल अपना समझा करे, अपना समझ ले। वो अपने आप को सब लुटा देते, फिर कहते मेरे अजीजो, अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे ये मिल गई हर मुसीबत उसे छोटी लगती, हर मुसीबत हल्की लगती है। अब आओ मैं तुमसे पूछता हूं, यहां थोड़ी सी तकलीफों पर बिलबिला उठते हैं, थोड़ी सी तकलीफ क्या आई कि तितर बितर हो जाते हैं। तुम्हारे आज इत्तेहाद को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं, हमारे इख्तिलाफात इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। एक जमात है, एक सुन्नियत है, एक मसलक है, लेकिन एक दूसरे से मुसावा करना नहीं चाहता, एक दूसरे से गले मिलना नहीं चाहता। उलमा की जमातें अलग, पीरों की जमातें अलग, क्या ये जीने के सलीके हैं? क्या तुम्हें लज्जत आशनाई नहीं मिली है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आशनाई की लज्जत जिसे मिलती है, वो नफ्स को मार देता है, उसके पास सिवाय हुजूर की निस्बत के किसी चीज का ख्याल नहीं होता, किसी चीज का ख्याल नहीं होता। सहाबा इकराम की बात मैं आपको बताऊं, आज दुनिया में इस तरह हमारी तरफ जो नजरें उठी हैं, उसकी वजह यह है कि हमें तोड़ दिया गया है। वो 100 साल पहले अंग्रेज यहां ये कहते थे, जिसको इकबाल ने कहा है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। 100 साल पहले अंग्रेजों ने कहा था रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। क्यों? जब तक रूहे मोहम्मदी इसके साथ है, वही लज्जत आशनाई है जिसको मैं कह रहा हूं, वही इश्क मुस्तफा है, जब तक इसके साथ है ये मौत से कभी डरता ही नहीं है।
जिसको मौत से डराना है तो ये इस इश्क की दौलत को खींच लो, निकाल लो, रूह है मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। तुम सब नौजवानों को मैं तंबी करता हूं मेरे अजीजों, रूह है मोहम्मदी तुमसे छीनने के लिए दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तुम्हारे मुट्ठी में हर गुनाह को लाकर जमा करने की कोशिश की गई है। तुम्हारी आंखों को आज खरीद लिया गया, तुम्हारी हया का कत्ल कर दिया गया, तुम्हारे अखलाक कहां चले गए। हमारा वो नौजवान जब निकलता था तो उसके लिए फरिश्ते इस्तकबाल करें। उम्मत मोहम्मदिया का वो कयूर जवान जिसके लिए अल्लाह ताला ने तूफानों के रुख मोड़ दिए, समंदरों में रास्ते बना दिए, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, आज उसका हाल ये है कि पूरी रात पबजी में गुजार रहा है, ये टिकटॉक पर मुजरे कर रहा है। ये ला करके तुम्हारे हाथों में इसीलिए थमाया गया है, इसीलिए थमाया गया है। और एक जुमला मैं कहता हूं अजीजों, जब शेर अपनी शेरी छोड़ देता है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। हाँ, कुत्तों के अंदर दम आ जाता है। आज देख रहे हैं हम, इधर से कुत्ता उधर से कुत्ता, हर कोई मुंह उठाए भौंके जा रहा है, कभी हुजूर पर, कभी इस्लाम पर, कभी कुरान पर। उसकी वजह क्या है? मोहम्मद अरबी के शेरों को नींद आ गई है, ये गफलत में है। और यही चाहती भी है दुनिया कि ये नौजवान नशे में मुलविस रहे हैं, ये धुत रहे हुस्न के पीछे भागते रहे, दौलत के पीछे एक दूसरे का कत्ल करते रहे। दुनिया ये चाहती है मोहम्मद अरबी के शेरों में होश कभी ना आए, वरना उनको भी पता है कि जिस दिन ये खड़ा हो गया बहुत सारे कीड़ों की मौत आ जाएगी, बहुत सारे कुत्तों को यूं ही खुजली शुरू हो जाएगी। तुम्हें उठने देना नहीं चाहती दुनिया, कभी कभी बेदार होने नहीं देना चाहती, मगर जब तक हमारे पास आवाज है, जब तक जुबान है, हम बोलते रहेंगे। एक ही चीज है जो तुम्हें यहां से वहां ले जाती है, वो कौन सी है? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत, अल्लामा सलमान रजा साहिब क़िबला। मेरे अजीजों, एक बात याद रख करके चलो, दुनिया आज कहती है इनके पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सही कहती। अखबार में यही छपा, रिपोर्टों में यही छपा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने मिलकर के टीम बनाई और हमारा सर्वे किया हिंदुस्तान भर का, कहा कि ये बैकवर्ड है, इनके पास एजुकेशन नहीं रह गया, डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, माल में भी कम है, नौकरियों में भी कम है, सब रिपोर्टें इनके पास है। फिर मैं कहता हूँ, ये मीडिया के कुत्ते 24 घंटे हम पर भौंकते क्यों है? जब कुछ भी नहीं है, बैकवर्ड है, टूटी हुई बिखरी हुई काम है, तो क्यों हम पर भोकते हो बार बार? तुम्हें मैं बताता हूं, ये बार बार भोक कर बताते तुम कुछ हो, तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। उनको पता है, तुम्हें नहीं पता है। तुम कह रहे हो नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, सुबह टीवी चालू करो कहे नहीं तेरे पास कुछ है। वरना एक टूटी बिखरी गरीब कौम पर कौन 24 घंटे सर्व करेगा? हमें पता है, सारे इलेक्शन भी हमारे नाम से लड़े जाते हैं। हाँ, तुम्हारे मजमे उस वक्त तक गर्म नहीं होते जब तक हमारा नाम ना ले लो। हाँ, दूसरों को डराने के लिए हमारा नाम चाहिए, और कई मीडिया, दज्जाली मीडिया के चैनल चलते हैं, उनकी दुकान हमारे नाम से। ये सारी बातें आपको सिर्फ इसलिए बताता हूं, वो भोंक भोंक कर बता रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। वो क्या है? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। ये चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ तो है। वो कुछ है क्या? वही लज्जत आशनाई है, वही इश्क मुस्तफा की दौलत है जो तुम्हारे सीनों में आज धड़कती है। आज उनका नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे खिल जाते हैं, उस नबी पाक का नाम आते ही हम इख्तिलाफात भूल जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। मैंने बारहा एक बात कही है, एक साहब ने मुझे टोंट मार कर कहा था कि तुम्हारी कौम
500-500 के लिए पार्टियां बदल देती है, इधर जाती उधर जाती है, कभी 100 रुपये इस नेता से ले लिया, कभी 500 उस नेता से ले लिया, इधर उधर जाती रहती है। मैंने उनसे कहा था असल बात यह है इनके सामने सब बराबर के चेहरे हैं, इसलिए इधर से भी लेते हैं उधर से भी लेते हैं, सब जगह से ले लेते हैं। अगर आपको देखना है 10 करोड़ लेकर के आओ, हमारे किसी जवान को बुलाओ, और सामने नेताओं को मत रखना, एक तरफ तुम्हारे पैसे और एक तरफ गुंबद खजरा को दिखाना, और फिर पूछना ये लेता है या वो लेता है। आज एक गरीब जवान के बारे में भी मेरा यकीन ये है तेरे 10 करोड़ की दौलत को ठोकर मारेगा और फिर कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, आज भी है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। न हो मायूस इकबाल इस किश्त वीरान से, हम भी यही कहते हैं मैं मायूस नहीं इस किश्त वीरान से। ये जो खेती हमारी टूटी बिखरी हुई दिख रही है, लोग कह रहे हैं खलियान खत्म हो गए, अब खेती में कुछ नहीं है, खुद खेती में कुछ नहीं है तो फिर सारे इधर क्यों मुंह लगाए बैठे हैं। हमको पता है जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। हमारे जवानों को आवारा तुमने किया है, हमारे जवानों को नशा तुमने बांटा है, इनको सब पता है हमारे मोहल्लों में नशा आता कहां से है, देता कौन है, खाता कौन है, खिलाता कौन है, पिलाता कौन है, सब पता है। लेकिन तुमने बाजाबता प्लानिंग के साथ इनको नशा और चीजें खिलाई, इसीलिए मुझे पता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शेर जिस दिन बेदार हो गए, कहीं ऐसा ना हो इनके हाथों में क्या क्या पकड़ाया गया, मोबाइल इंटरनेट फेसबुक पे 24 घंटे लगे रहो, चैटिंग करते रहो, इंस्टा में लगे रहो, यूट्यूब में लगे रहो, तुम इसी सोशल मीडिया पर जिनके 18 घंटे खर्चा करते रहो, पोर्न वीडियो, नंगी तस्वीरें, पता नहीं क्या क्या अखलाक अफसोस चीजें तुम्हारे सामने लाकर दुनिया ने रखी कि तुम इसी में मसरूफ रहो। इसलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, उन्हें डर है इस बात का, मोबाइल मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो इनको, इंटरनेट मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो, कहीं ऐसा ना हो इस जवान के हाथ में खालिद बिन वलीद की सीरत आ जाए, कहीं इस जवान के हाथ में सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरत ना आ जाए, कहीं ये जवान टीपू सुल्तान को पढ़ने ना लग जाए, कहीं ये औरंगजेब का नाम सुनने ना लग जाए। इसीलिए मार मार करके उधर से चेहरा मोड़ दिया गया है अजीजा ने ग्रामी वकार, वो हजार मोड़े। मैं इंशाल्लाह ये बात जरूर कहूंगा आपको, फिर मैं कहता हूं मैंने तो मिसाल में चार नाम लिए और ऐसे नाम लिए हैं कि पता नहीं औरंगजेब का नाम लेते हैं तो लोगों को तकलीफ होने लगती आज होती है ना, मुझे समझ में नहीं आता औरंगजेब कैसे मारा था, इतने साल तक दर्द कर रहा है, क्या किया था तुमने अभी तक दर्द जा नहीं रहा है, हमें पता नहीं। हालांकि हम आदिल और मुनसिफ और एक कयूर बादशाह की हैसियत से मानते, बल्कि वो परहेजगार मुत्तकी थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं नौजवानों कि कहां तुम चूहों की सीरत पढ़ने लग गए, तुम्हें नबी पाक के शेरों की सीरत पढ़नी चाहिए। सुभान अल्लाह, जब आदमी बुजदिलों के पीछे भागता है तो बुजदिल होता है। तुम जो है स्टंट करने वाले बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे मत भागो, उनकी रियल लाइफ कुछ नहीं है, वो पर्दे में जो दिखता है हकीकत में होता नहीं। हाँ, स्टंट करना और है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी खालिद बिन वलीद की मिसाल लाकर दिखा दो, 125 जंगों में शिरकत किया, एक जंग में भी शिकस्त नहीं हुई। बेशक एक हाथ में तलवार जो उठाते थे उसका वजन 35 किलो का था, दूसरे हाथ में जो ढाल पकड़ते थे उसका वजन 40 किलो का था। हाँ, ये जवान हुआ करते हैं, स्टंटमैन नहीं है। वो कौन सी दौलत थी उनके पास, कौन सी ताकत थी जिसे लेकर के वो मैदानों में बेखुद उतर जाते थे। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वाह वाह वाह, बहुत अजब चीज है लज्जत आशनाई। अजीजा ने ग्रामी वकार, वो चीज एक बार तुम्हारे सीनों में आ जाए। मैं आज पूछता हूं दिल पर हाथ रख करके बताओ, इतने दिनों से
जवान हो गए, बड़े हो गए, समझ आ गई, अकल आ गई। क्या कभी कोई रात ऐसी आई है तुम्हारे दिल में तड़प पैदा हो गई हो, बार बार हवक उठती हो? दुनिया की रंगीनियां बहुत देख लिया मौला, एक बार तेरे नबी का चेहरा दिखा दे। मुझे आमिना के लाल को देखना है, उस हुस्ने जहां आरा का दीदार करना है। कभी तमन्ना हुई? क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं किया? कौन सी नामुमकिन बात थी, कौन सी नामुमकिन बात थी? आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला, मांगा होता तो जरूर मिलता। और इन आंखों में एक बार वो लज्जत आशनाई आ जाती तो फिर फखर से तुम भी हर जगह घूमते और फिर ये कहते, फिर के गली गली तबा ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए। जिनको लज्जत आशनाई मिल गई थी वो कहते थे ये, जिनको लज्जत आशनाई मिली है उनके जुमले ये थे, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आशनाई की लज्जत जिसे मिली वो फिर ये कहता है, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, और मांगना भी हो इधर उधर नहीं मांगता। आज बीजेपी की हुकूमत चल रही, यहां से कुछ ले ले, कल कांग्रेस आ जाएगी वहां से कुछ ले ले। गुलाम रसूल बीजेपी कांग्रेस के बीच में नहीं घूमता फिरता, उसका मसलक ये होता है, उसका मसलक सिर्फ ये होता है, करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पना, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, दर्द हो तो भी ये कहे, शाफी हो नाफी हो तुम, वाफी हो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये बात वो बंदा कहता है जिसे लज्जत आशनाई मिली है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना हो। मैं एक बात बताता हूं, हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक बड़ा मसला पेश आया था। एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर जो तस्वीरें निकालता था। यहां पर मुझे भी हजरत ने भी फरमाया, रुक करके एक बात कह देता हूं कि ये इतने सारे जो घोड़े लगा करके बैठे हैं, सारे लोग मोबाइल और कैमरे बिला जरूरत के, और आज के दौर की एक बड़ी बला है, हम थक चुके हैं, हम मुसाफा कोई करना नहीं चाहता, सबसे पहले फोटो चाहिए। उलमा का अदब चला गया, रूहानियत चली गई, हर कोई मजलिसों के आदाब भूलने लग गया इस एक मोबाइल। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ये हालात बहुत ही सख्त तरीन होते चले जा रहे हैं। बच्चों, इन तमाम चीजों से मेरे अजीजों, बिला जरूरत, बगैर किसी जरूरत के ये इस कदर इसमें ज्यादा पड़ जाना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। मैं कह रहा था बगदाद में एक मुसव्विर जो उस कमाल ये रखता था कि उसको जैसे ऑर्डर दिया जाए वैसी तस्वीर निकालता, यानी कोई सामने बैठ करके बताए मेरा महबूब ऐसा था वैसा था, वो उसकी सुन करके तस्वीर निकालता, सिर्फ उसको हुलिया बताओ तस्वीर निकालता। उसका कमाल था ही। लोग अपने अपने महबूबों की महबूबाओं की तस्वीरें निकालते, और जब उसके घर के पास भीड़ लगी थी, उसी भीड़ में जुनैद बगदादी भी तशरीफ ला। सैयदुत ताइफा है, वलियों के सरदार है अपने जमाने। जब आपका नंबर आया, मुसव्विर ने देखा तो हक्का बक्का रह गया, कहा आप यहां मेरे घर? कहा मैंने सुना है तू सुन करके महबूबाओं की महबूबों की तस्वीरें खींचता है, मैं भी तस्वीर बनवाने आया मेरे महबूब और मेरे माशूक की। कहा कि आप बता दें, होलिया बता दें, मैं तस्वीर बना दूंगा। आपने कहा मेरे महबूब का होलिया सुनो, आंखें इस तरह की थी, पेशानी इस तरह की, भवें इस तरह की। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का होलिया बताने लग गए। जुनैद बगदादी ने कहा होगा, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ त्याख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मदभरिया। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा खींच रहे थे। मुसव्विर ने कहा रुको रुको, ये तस्वीर मेरे पास पहले से रखी है,
कहा कि तुम्हारे पास पहले से लोग ऑर्डर देते हैं फिर बनवाते हैं। कहा दर हकीकत आप जिससे मोहब्बत करते मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। लाओ तस्वीर। वो मुसव्विर अंदर गया और पूरा कुरान लाकर जुनैद बगदादी के पास रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा क्या हमारे महबूब की इससे बेहतर तस्वीर हो सकती है? जब नबी पाक का चेहरा देखना हो पढ़ो वो दुहा वल्लैल इज़ा सजा। जब नबी पाक की जुल्फें पढ़ना हो देखो रब ताला ने फरमाया वल्लैल इज़ा यग़शा। हाथों के बारे में फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलकिन्नल्लाह रमा। कदमों के बारे में फरमाया ला उक्सिमु बिहादल बलद। आंखों के बारे में फरमाया मा ज़ागल बसर वमा तगा। सीने पाक के बारे में फरमाया अलम नशरा लका सदर। उनके आताओं के बारे में फरमाया इन्ना आताइना कल कौसर। वाह बेशक। उस वक्त मेरे अजीजों हजरत जुनैद बगदादी ने कुरान उठाया। आपसे मैं एक बात ये कह रहा हूं जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है वो हर जगह अपने नबी के अपने महबूब के जलवे ही देखता। बेशक बेशक। अजब चीज है लज्जत आशनाई। और गुमराहियत के साथ जब कुरान भी पढ़ता है तो उसे उसमें से बीमारियां निकलने लगती, उसमें से वो बुराइयां निकालने की कोशिश। तवज्जो तवज्जो मेरे अजीजों। भाई है ही लब्बैक में इतना असर अच्छे अच्छों की जल जाती है। वाह 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 बहुत क्या बात। लाइट की कैसे नहीं जलेगी? लाइट को तो जलना है। इसलिए कि आज हम देख रहे हैं इस नारे पाक से लोगों को बड़ी अजीब सी बात होने लग गई। कुछ को तो डर ये लग रहा है कि ये उधर पाकिस्तान का नारा है, कुछ को लग रहा है यहाँ का नारा है वहां का नारा है। अरे मेरे अजीज मैं उन तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जिनको इससे तकलीफ है, उनको पता भी नहीं हम किसको बुला रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब पागलो खौफ ना खाओ, हम तुम्हारे बाप को नहीं पुकार रहे हैं, ताजदारे मदीना को पुकार रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह हमारा ईमान है, यह हमारा ईमान है। हम ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। इस बात में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसको ये अनसन बोलने की आदत है मीडिया में आकर इधर उधर ये नारा वहां का ये नारा यहाँ का है, उसे पहले तर्जुमा बताओ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है उसे समझाएं और उसके बाद फिर उसको बताएं कि जाहिलाना तरीके से इस तरह इतराज ना करो। ये नारा आज का नहीं है, सहाबा का नारा है ये। वाह वाह बहुत। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब उन्हें बुलाया करते हुजूर के पास वो हाजिर होते। इसी का मतलब तो है लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं अल्लाह के रसूल। बहरहाल मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो यही है कि जिसके दिल में हुजूर की वो मोहब्बत आ जाए, जिसका सीना धड़कने लग जाए, उसे दुनिया की हर शय में अपने महबूब का जलवा ही नजर आए। वो कुरान पाक में भी वही देखता है और बुग्ज अदावत हो तो कुरान से भी बुराइयां निकालने की कोशिश करता है, कुरान से भी खराबियां निकालने की कोशिश करता है। वरना इश्क के जलवे ऐसे हैं जिसके सीने में वो रच बस जाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी आशिक सादिक, एक गुलाब किसी ने आपको तोहफे में पेश किया। सबको पेश करते हैं लोग, हमें भी गुलाब के फूल डाले आपने, लेकिन आशिक सादिक का हाल यह होता है गुलाब को गौर से देखा और कहा ये गुलाब सुबह खिलता है शाम में मुरझा जाता है, मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूँ जो कभी नहीं मुरझाता। वाह 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 बहुत। कभी नहीं मुरझाता। फिर कलम उठाया और लिखना शुरू किया सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, क्या बात रजा उस चमन इस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। फूल फूल पर पूरी नात लिख दिया, तुमने एक फूल क्या पेश किया, हमने तो फूल में हुजूर के जलवे देख लिए, हुजूर पाक के हुस्न को देख लिया। यही मैं कह रहा हूं, मेरा जुमला फिर दोहराता हूं, अजब चीज है लज्जत आशनाई।
जिसे ये मिल गई वो महबूब के जलवों में जिंदगी गुजारता है, उसे हर जगह अपने नबी की सुन्नत, अपने नबी की शरीयत महबूब होती है, प्यारी होती है। ऐ नौजवानों, मेरा आखिरी मैसेज ये तकरीर का सुन लो, अगर तुम्हारे सीने हुजूर के लिए तैयार हैं और कुर्बान होने को तैयार हैं, मैं गर्दनें नहीं मांग रहा, मैं ना सर मांग रहा हूं, ना तुम्हें कत्ल होने के लिए बात कर रहा हूं, बात सिर्फ इतनी है, अगर सच्ची मोहब्बत करते हो, दुनिया के इन वाहियात को अपने सीनों में जगह हरगिज नहीं दोगे, तुम इन खुराफात को, इन बुराइयों को जिसकी लत तुम्हें पड़ी हुई है, गाने 24 घंटे कानों में बज रहे हो, सुबह शाम तुम्हारे घरों पर म्यूजिक की धुन बज रही हो, ये तमाम चीजें तुम घर से निकाल कर फेंक दो और फिर कहो मुझे मेरे नबी से मोहब्बत है तो उनके नगमे सुनूंगा। दुनिया अपने अपने फैंस के करतूत और उनके डायलॉग्स याद करती है। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर नबी से मोहब्बत है, हुजूर की कितनी बातें तुम्हारी जुबान पर हैं? हुजूर की कितनी हदीसें तुम्हें याद है? हुजूर पाक के कितने फरमान तुम्हें याद है? याद रखो, जिसको मोहब्बत होती है उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है, उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है। तुम कहते हो जान भी दे देंगे हुजूर के लिए, चेहरा कहां है तुम्हारा? हुजूर पाक से मोहब्बत है तो फिर लिबास कहां चला गया? तुमको पहचानना आज मुश्किल हो गया, इधर का है कि उधर का है, और तुम कहते हो हम जान भी दे देंगे। अमली मैदान में तुम्हें उतर करके ये साबित करना होगा, दुनिया अगर नंगे रहने पर फख्र करती है तो मैं नबी की सुन्नतों पर फख्र करूंगा। सच बात कह रहा हूं या नहीं? दुनिया आज नंगी रहकर फख्र कर रही है, फैशन कह रही है। अरे उनको चोटी रखने में शर्म नहीं आती, हमें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? किसी को बालियां पहनने में, चूड़ियां पहनने में शर्म नहीं आती? आज कई नौजवानों को देखा है, वो पता नहीं मर्द से क्या बन गए, तीसरी मखलूक बन गए, फिर भी उन्हें शर्म नहीं आती, और तुम्हें हुजूर की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? बस बात यह है, सच्ची मोहब्बत करो। एक सवाल करता हूं आपसे, अगर दुनिया हुजूर का गुलाम कहे आपको तो आपको बुरा लगेगा? किसी को बुरा लगेगा? अरे बल्कि हम तो ये कहते हैं, दुनिया हमें पहचाने तो हुजूर के दरबार का कुत्ता कहकर पहचाने, सके तैबा सब कहकर के पुकारे बेदम, यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। हम तो दुआएं करते हैं कि दुनिया हमें हुजूर के दरबार का कुत्ता कहकर पहचान। हमें एतराज नहीं, बुरा नहीं, बल्कि हम तो जिंदगी की सआदत समझते हैं। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगता हुजूर की गुलामी पर, और कोई गुलाम रसूल कहकर पुकारे बुरा नहीं लगता, आ जाओ खुल करके गुलामी करो, खुल कर गुलामी करो। आओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन बताए हुए खतूत और रास्तों पर चलते हैं, हम फिर इसी रास्ते से अपना खोया हुआ वकार हासिल कर सकते हैं, अपनी खोई हुई इज्जत हासिल कर सकते हैं। अजब चीज है लज्जत आशनाई। गुफ्तगू खत्म करता हूं इस बात पर, थोड़ी सी बात रह गई। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई शख्स आया और कहा कि सुना है मोमिन सादिक, सच्चा मोमिन आशिक रसूल जब दुनिया से जाता है उसकी रूह निकालने का तरीका अलग होता है, और एक बदबख्त गुनहगार या काफिर और मुशरिक की रूह निकालने का दर्द अलग होता है। रूह निकालने का फरिश्ता एक है, दोनों की तकलीफ अलग क्यों है? आपको शॉर्टकट जवाब दिया गया उस आने वाले शख्स को। इमाम ने कहा जा सूरह यूसुफ पढ़ ले, तुझे समझ में आ जाए। वो बंदा गया, सूरह यूसुफ पढ़ा, कहा इसमें तो मौत का कहीं जिक्र नहीं, कैसे निकाली जाती? कहा फिर पढ़ के आ, फिर पढ़ के आया, कहा इसमें कहीं जिक्र नहीं। कहा क्या पढ़ के आया? उसमें तो यूसुफ और जुलेखा का किस्सा है, हजरत यूसुफ अली सलाम का पूरा वाकया है। कहा क्या ये वाकया तूने पढ़ा कि जुलेखा यूसुफ अली सलाम पर ऐसी फरेफ्ता हो गई, मोहब्बत में फिदा हो गई, कि एक दिन सारे शहर की औरतों को दावत पर बुलाया और सबके हाथों में लीमू दिया और चाकू दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे हसीनो जमील थे जो एक बार देखता था टकटकी बांधकर पलकें झपकाना भूल जाता था, उनका हुस्न ऐसा था। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तैयार करके उस वक्त बुलाया जब सारी औरतें महल में बैठी हुई थी, सबके हाथों में लीमू और चाकू, ये कुरान पाक में मौजूद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हाल में बुलाया गया, औरतें जैसे देखने लगी, जुलेखा ने कहा ये लीमू काट दो, औरतों के हाथों से लीमू गिर गया, चाकू से चारों उंगलियां कट गई,
उंगलियां कट गई, औरतों को एहसास ही नहीं हुआ। औरत तो छोटे से जख्म पर चीखती है और छटपटाती है, अरे चार उंगलियां कट जाए, खामोश बैठने वाली है कोई औरत? लेकिन कैसे खामोश बैठी रही? कुरान भी कहता है कि उन्होंने अपने उंगलियों को काट लिया, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। औरतों की उंगलियां कट गई। इमाम ने पूछा, क्या तूने ये वाकया पढ़ा कुरान में? कहा ये तो पढ़ा है। कहा नादान, हम यही तो बताना चाहते हैं, औरतों को दर्द क्यों नहीं हुआ? हुस्ने यूसुफ देखने में मसरूफ थी, यूसुफ का हुस्न देख रही थी, उंगलियां कट गई, पता नहीं चला। और एक मोमिन सादिक आशिक रसूल जब दुनिया से जाने वाला होता है, उसकी मौत का वक्त आता है, सिराने के पास महबूब खुदा ताजदार मदीना तशरीफ लाते हैं। आशिक सादिक अपने रसूल के जलवे देखने में मसरूफ होता है, इधर मलकुल मौत रूह निकालते हैं, वो जलवे देखने में ऐसा मौत होता है कब रूह निकली उसे खबर ही नहीं होती। तो कहा है इकबाल ने, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, वो चीज अगर आ गई मौत से भी डर नहीं लगता, रूह निकलने से भी डर नहीं लगता, क्योंकि जो पास में दौलत है वो लज्जत आशनाई, ऐसी लज्जत है जिसको पाने के बाद अच्छे अच्छों को हमने देखा, वो फंदों पर भी झूल गए हैं, फांसियों पर भी चले गए हैं। मुरादाबाद के किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानता, अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके 7 दिन तक उनके जिस्म पर गर्म इस्त्री फेरा था, जब चमड़ी जल जाती थी नमक छिड़का जाता था, उनके जिस्म को जला करके नमक छिड़क करके जख्म दिया गया, लेकिन कभी आपके तक आपके इस्तकामत में जरा बराबर भी लग्जिश नहीं आई, वो टस से मस नहीं हुए। क्यों? इन दर्दों को झेलने वाला कौन होता है? चमड़ी जल जाए फिर नमक छिड़का जाए और बर्दाश्त करके कौन खड़ा रहता है? बस वही खड़ा रहता है जिसे लज्जत आशनाई मिली हो। अजब चीज है लज्जत आशनाई। आखिर में अंग्रेजों ने कहा, अब भी तुम्हारे पास वक्त है, हफ्ता भर तकलीफ देने के बाद किफायत अली काफी से बदल लो अपने फतवे, बदल लो अपनी जुबान को, आ जाओ हमारी जमात में, हुकूमत में कोई ओहदा मिल जाएगा, मनसब मिल जाएगा, वजारत मिल जाएगी। किफायत अली काफी ने कहा, इतना सस्ता दीन नहीं है मेरा, इतना हल्का दीन नहीं है, लज्जत आशनाई जो मिली है ये बेची नहीं जाती। अंग्रेजों ने कहा, फिर तैयार हो जाओ, फांसी का फंदा तुम्हारे लिए तैयार है। आपने मुस्कुरा कर कहा, उस दिन का तो इंतजार है, उस दिन का तो इंतजार है। इसीलिए मैं कहता हूं, मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, उनके लिए हादसा है जिनके मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। मोमिन के लिए मौत तो तोहफा है, इधर आंखें बंद हुई उधर मुस्तफा की जियारत हुई है। किफायत अली काफी फांसी के फंदे के करीब भी चले गए, अच्छे अच्छों को देखा गया है तारीख में, जिसकी आखिरी वक्त फांसी का वक्त करीब आता है उससे पूछा जाता आखिरी कोई ख्वाहिश है, कई लोगों ने क्या क्या पूछा है, मीठा खाने की ख्वाहिश, किसी को बिरयानी खाने की ख्वाहिश, किसी को टमाटर खाने की ख्वाहिश, किसी को माँ बाप देखने की ख्वाहिश, किसी को बीवी से मिलने की ख्वाहिश, कोई विरासत की जायदाद की वसीयत करना चाहता है। किफायत अली काफी से पूछा गया, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? फांसी का फंदा सामने है। किफायत अली काफी कहते हैं, जाने से पहले एक बार मुस्तफा करीम की नात पढ़ना चाहता हूं, और पढ़ लिया, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर छलन रह जाएगा। फांसी के फंदे पर चढ़ गए, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, पेशानी पर कोई शिकन नहीं। इसी चीज को मैं फिर कहता हूं और गुफ्तगु खत्म करता हूं, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। आओ मांगते हैं वही लज्जत आशनाई बारगाह इलाही में, अर्ज करते हैं, मौला कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें के देखने की है सारी बहार आंखों में। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक।
रिसालत। बस हमारी गुफ्तगू हो गई लेकिन मुझे अभी ये इत्तला मिली कि इस इलाके में मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मदरसे की संग बुनियाद रखी। उस आशिक रसूल फना फिर रसूल ने अपने हाथों से जिसकी बुनियाद रखी है, मेरे अजीजो होना तो ये चाहिए कि मरकज इश्क रसूल बन जाए। वाह वाह, काशीपुर वाले इस चीज को बना करके रहेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि दस्ते ताजु शरिया जहां लगाओ उसमें असर तो आना ही है। आज मिंबर पर खड़े होकर बेबाकी के साथ जिस तरह तुम्हारे सामने ये फकीर नजर आता है, इस पर भी ताजु शरिया ने हाथ ही तो रखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ ही तो रखा था। बस उस दस्ते करम की करम नवाजियां आज भी देख रहे हैं, हजारों की आंखों में जो चमक रहे हैं ये मुर्शिद गिरामी के नजर की उनके कीमिया असर नजर की तवज्जो है। मेरे अजीजों आप सबकी तवज्जो उस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। मुर्शिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला ले ये कहकर के दुनिया से गए हैं, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। और फिर उनका मैसेज भी मेरी ये तकरीर का खुलासा हो जाएगा। मैंने कहा है ना, अजब चीज है, याद हो जाना चाहिए। अब तक तो इतनी मर्तबा मैं बोल चुका हूं तकरीर में, याद हो जाना चाहिए। अजब चीज है, हाँ, लज्जत आशनाई कहते हुजूर की मोहब्बत की जो लज्जत है वो बहुत अजब है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, कौन क्या कह रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। और यही मैसेज ताजु शरिया ने दिया है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, बुलंद आवाज से जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।